जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB ने अभी लेटेस्ट में रिटेल सर्विसेज अपनी स्टार्ट की है। रिटेल सर्विस मतलब अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जुड़ जाते हैं तो इसकी जो सर्विसेज हैं, जैसे कि इसमें अकाउंट ओपन करना, तो उसपे आपको कुछ कमीशन मिल सकता है। इसमें स्टाम्प्स को जैसे आप निकाल के दे सकते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं आधार से रिलेटेड, जैसे कि आधार अपडेशन की सर्विसेज। तो ऐसा काम आपको अगर आप रिटेलर बन जाते हैं तो जल्दी आपको मिलेगा ये सारा काम, है ना। तो इन सारी सर्विसेज को अभी स्टार्ट करने के लिए एक रिटेलर की सर्विसेज स्टार्ट की गई, जहां पर आप अपनी एक रिटेल आईडी IPPB में बना सकते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बना सकते हैं। सो आज की इस वीडियो पे हम यही जानेंगे कि IPPB में अपनी एक रिटेलर आईडी ऑनलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट में ही लॉन्च हुआ है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं हूं चंद्रवान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कैसे IPPB में आप अपनी रिटेलर आईडी ऑनलाइन तरीके से जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर सिंपल आप indiapost.gov.in टाइप करेंगे क्रोम ब्राउज़र पे या फिर अपने किसी भी वेब ब्राउज़र पे, तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये इसका डैशबोर्ड दिखेगा आपको, इंटरफेस। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऊपर साइन इन और रजिस्टर, ये अभी दो ऑप्शन है, ये लेटेस्ट में ही अभी ऐड किए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने पे सब मीनू ओपन होंगे, पहला रिटेल, दूसरा कॉरपोरेट। तो सबसे पहले आपको रिटेल पे क्लिक कर देना है। रिटेल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा रिटेल आईडी के लिए। थोड़ा सा वेबसाइट स्लो चलती है तो इसका आपको ध्यान रखना है, और क्रोम पे ही आपको इसे चलाना है। क्रोम पे ज़्यादा अच्छा इंटरफेस लुक आता है इसका। रजिस्टर योर अकाउंट, इस प्रकार का आपके सामने ये फॉर्म आएगा। सबसे पहले आपको अपनी एक यूज़र आईडी क्रिएट करनी है। यूज़र आईडी क्रिएट करने का इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्वेश्चन मार्क्स पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर यूज़र आईडी बनाने के लिए आपको एक अपर केस कैरेक्टर रखना है, बाकी की लोअर केस और न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर बनाऊँ तो ऐसे मैं बना सकता हूँ, ऐसे टैग 08797 ऐसे करके। इसके बाद आप यहां चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे, तो अगर ये अवेलेबल होगा, किसी ने अगर इसे नहीं लिया होगा तो आपकी अवेलेबिलिटी चेक हो जाएगी और दिस यूज़र आईडी इज़ अवेलेबल, ऐसा मैसेज आपको यहां पर आ जाएगा। जो भी हमने यूज़र आईडी फिल की थी, दिस यूज़र आईडी इज़ अवेलेबल, ग्रीन मैसेज आ चुका है, यानी कि ये यूज़र आईडी अवेलेबल है। इसके बाद यहां पर आपको सैल्यूटेशन चूज़ करना है, मिस, मिसेस या मिस्टर। यहाँ पर जैसे हमने ये चूज़ किया, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। यहाँ पर एक हिंट क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आपको फ्यूचर में अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो उसे रीसेट करने के काम पे आएगा। इसके बाद यहाँ उसका आंसर लिखना है। कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको डिटेल्स डालनी है। कंट्री सिलेक्ट रहेगी। स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है, अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, कैप्चा फिल करेंगे, और यहाँ पर सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हैं न्यूज़लेटर को तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, नहीं तो टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, आपके सामने ये मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। यूज़र आईडी आपकी होगी, आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजी गई है, जो भी आपने ईमेल आईडी दी है। चलिए ईमेल आईडी चेक करते हैं। ईमेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर नो रिप्लाई पोस्ट इंडिया पोस्ट ये आया हुआ है, वेलकम टू इंडिया पोस्ट, इसे आपको ओपन करना है। इस मेल को ओपन करेंगे, इस मेल पे आपकी एक यूज़र आईडी होगी और एक कस्टमर आईडी होगी। यहाँ पर आपका एक वन टाइम पासवर्ड भी मिलेगा, इस पासवर्ड को अभी आपको यूज़ करके लॉगिन करना है। इस लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले इस अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करने के बाद ये मैसेज आएगा, अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, आपका अकाउंट सक्सेसफुल एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना है। यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी है, इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लोज़ होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको रीडायरेक्ट कर देगा साइन इन पेज पे। यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी फिल करनी है और वही पासवर्ड ईमेल वाला फिल करना है जो आपकी ईमेल में आया है। इसके बाद साइन इन, यहाँ पर आपको वन टाइम लॉगिन करने पर सबसे पहले आपको पासवर्ड रीसेट करना है फर्स्ट टाइम लॉगिन पे। यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड वही मेल वाला आपको फिल कर देना है। इसके बाद नीचे एक कंफर्म, एक न्यू पासवर्ड फिल करना है, देन कंफर्म पासवर्ड और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है।
आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है, यहाँ पर मैसेज भी आप देख सकते हैं। आपकी यूज़र आईडी होगी, आपका पासवर्ड चेंज हो गया है, इसका मैसेज आपको आ चुका है। इसी यूज़र आईडी से और नए पासवर्ड से अब आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको माय प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड के ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर आप माय प्रोफाइल भी देख सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। आपको होम पेज डैशबोर्ड इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ आप नए बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं रिटेल आईडी से, आपको कमीशन भी दिया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से स्टाम्प भी बाय कर सकते हैं, जिस पर भी आपको कमीशन या छूट वगैरह मिल सकती है। इसके बाद मेन जो इसका पर्पज़ है, रिटेल सर्विसेज पे आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारी रिटेल सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह की भी फैसिलिटी है, यहाँ पर आप रिटेल सर्विस इंश्योरेंस भी देख सकते हैं। रिटेल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे बैंक रिटेल पोस्ट आधार अपडेशन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र, ये सारी फैसिलिटी आपको रिटेल सर्विसेज पे मिल जाएंगी। तो इस प्रकार अगर आप रिटेल आईडी लेते हैं तो आपको आधार अपडेशन या यूआईडीआई के काम लेने में आसानी होगी। जैसे आपको आधार का काम लेना है तो आधार अपडेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म आ जाएगा, इसे आप फिल करके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इन नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप आधार की CSP ले सकते हैं। और इसी प्रकार से आप यहाँ पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़ के रिटेलर बन के भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस पे कोई नया अपडेट आता है तो वीडियो आपको मिल जाएगी। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। वीडियो में आपने जाना कि आप IPPB बैंक यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपनी एक रिटेलर आईडी कैसे जनरेट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।